मात्र 5,000 रुपये में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और 50,000 रुपये प्रति महीना से ज़्यादा कमा सकते हैं। आपको इस बिजनेस की पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, अंत तक आप बने रहें क्योंकि हम इस बिजनेस के बारे में पूरी बारीकी से समझने वाले हैं। और अगर आप इस बिजनेस का नाम जानना चाहते हैं तो इस बिजनेस का नाम है कुल्लड़ का बिजनेस। दोस्तों, कुल्लड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसमें दूध पिया जाता है, जिसमें चाय बनाई जाती है और जो रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कुल्लड़ का नाम से तो आप परिचित हैं। इसी बिजनेस की वीडियो के बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं और जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस की खासियत ये है कि इसमें जो कुल्लड़ बनेंगे वो सरकार आपको उसमें मदद करेगी। और सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिस योजना के तहत आपको कुल्लड़ बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मशीन दी जाएगी। तो चलिए फिर इस बिजनेस के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कुल्लड़ का बिजनेस क्या है। रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, हवाई अड्डों, मॉल, कुल्लड़ वाली चाय तो आपने पी ही होगी, लेकिन कुल्लड़ आज ज़्यादा प्रचलित नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रोडवेज समेत रेलवे मिनिस्ट्री से कुल्लड़ को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक या कागज के कप में चाय बेचने पर पाबंदी लगाने की मांग की है। हालांकि यह मांग काफ़ी समय है, लेकिन अब धीरे धीरे ये खत्म हो रहे हैं और चाय के लिए कुल्लड़ का इस्तेमाल होने लगा है। क्योंकि सरकार ने इस योजना पर अमल किया है तो आने वाले समय में कुल्लड़ की ज़रूरत बड़ी संख्या में पड़ेगी। साथ ही आप कुल्लड़ चाय या फिर दूध का बिजनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार किस तरीके से मदद करेगी। भारत सरकार के पीएम मोदी ने दोस्तों कुम्हार सशक्तिकरण के लिए इस योजना को लागू किया है, जिसमें कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दी जाएगी जिससे कुल्लड़ बनते हैं। और इस कुल्लड़ों की सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार उन कुल्लड़ों को अच्छी कीमत पर खरीद लेती है, इसलिए आपको ज़्यादा दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे उनको सरकार खरीद लेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बिजनेस की टोटल लागत कितनी होगी। लागत की बात करें तो दोस्तों 5,000 रुपये में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इस मशीन के कुल्लड़ बनाने की कीमत है। साथ में ही स्पेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके घर पर बना सकते हैं, आप आपके गांव में बना सकते हैं, आप आपके शहर में बना सकते हैं। छोटी सी जगह ज़रूरत पड़ेगी। और सरकार ने दोस्तों 25,000 इलेक्ट्रिक चाक बांटने का इस साल का लक्ष्य रखा है। तो अगर आप पीछे ना हटें इसको ज़रूर, अगर ये आप इस सरकार की योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी उद्योग विभाग से ज़रूर लें। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण चीज़। दोस्तों, तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा जिसकी सहायता से आप इस बिजनेस में कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला कमाई का तरीका देखिए दोस्तों, कि चाय की कुल्लड़ की कीमत जो सरकार ने निर्धारित की है वो 50 रुपये प्रति सैकड़ा, मतलब 1 रुपये में 2 कुल्लड़ आपसे लेगी अगर आपने बनाए हैं। तो लस्सी के कुल्लड़ की कीमत सरकार ने रखी है 150 रुपये प्रति 100, 100 कुल्लड़ आप बनाएंगे तो 150 रुपये दिए जाएंगे। दूध के कुल्लड़ की कीमत भी रखी है दोस्तों 150 रुपये प्रति 100, और प्याली जो रहती है वो भी 100 रुपये 100 चल रही है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि जितना भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, या तो लस्सी के कुल्लड़ बना लिए, चाय के कुल्लड़ बना लो, दूध के कुल्लड़ बना लो, प्याली बना लो, उनको आप सरकार आपसे खरीद लेगी, तो आपको कहीं दूसरी जगह बेचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि इस बिज़नेस से कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आप कुल्लड़ की सप्लाई ठीक है कर देंगे, लेकिन कुल्लड़ चाय या फिर दूध का बिजनेस भी कर सकते हैं, और यह बिज़नेस भी आपको 5,000 रुपये में ही शुरू हो सकता है। कुल्लड़ चाय की शहरों में कीमत की अगर बात करें, आपने पी हो तो 10 से 15 रुपए है। हम एक बार हरिद्वार गए थे तो वहां पर हमने 15 रुपए की कुल्लड़ की चाय पी थी, जबकि ऐसा नहीं है, कुल्लड़ और कप में ज़्यादा अंतर है नहीं है, वो प्लास्टिक का है और ये अंतर सबसे बड़ा है। तो कुल्लड़ की कीमत वहां पर हमने देखी कि 15 रुपए है। तो अगर डेली आपने एक दुकान खोली है जिसमें आपकी 200 चाय कुल्लड़ वाली, लगभग 2,000 से 3,000 रुपये प्रतिदिन आप कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में आप लगभग 1,500 रुपये के आसपास आप बचा सकते हैं इस बिज़नेस में। तो आप देख लीजिए महीने का कितना हो रहा है, लगभग 45,000 रुपये महीने का आप ये दूसरे तरीके से कमा सकते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वहीं अगर कुल्लड़ में आप 250 ml लीटर दूध की कीमत 20 से 25 रुपए तक मार्केट में होती है। रात में जो होता है दोस्तों, कई लोग खाना खाने के बाद शहर में निकलते हैं और दूध की पीने के लिए उनका मन होता है, तो कई बार वो ठेलों पर जाते हैं। अगर आपने आपका ठेला खुलवा लिया है तो 250 ml आप अगर लीटर दूध की कीमत की बात करें दोस्तों,
तो आप वो 20 से 25 रुपए में दे सकते हैं और 1 लीटर दूध बेचने पर आपको लगभग 25 से 35 रुपए का मुनाफा हो सकता है। अगर एक दिन में आपने 500 लीटर दूध बेच देते हैं दोस्तों, 500 लीटर अगर आपने दूध बेच दिया दोस्तों, तो 1000 रुपये से 1500 रुपये के आसपास आप बचा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप 45,000 से 60,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर 1 लीटर दूध बेचने पर जो आपने गर्म करके दिया है उसमें अगर मान के चलिए कि आपने 250 ml 20 रुपये का दिया है, तो 1 किलो लगभग आपका कितने का हो रहा है देख लीजिए आप, 80 रुपये का हो रहा है। और अगर आपने दूध लिया है 40-45 रुपये प्रति लीटर लिया है, उसमें 10-20 रुपये वैसे खर्च मान ली, तो भी आप आसानी के साथ 25 रुपये तो मुनाफा कमा ही सकते हैं। तो हमने 3 तरीके देखे, ये 3 तरीके से आप इस बिज़नेस में और भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस सरकार की योजना में को और अधिक जानकारी के लिए आप आपके नज़दीकी उद्योग विभाग के पास जाएं, गूगल पर सर्च करें, भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर देखें और इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद इस योजना का लाभ उठाएं और ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। दोस्तों ये तो हुई हमारी कुल्लड़ बनाने की बिज़नेस की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कल आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और कुछ भी इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करें। कल एक फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी।